छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगी, लेकिन इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अमित शाह ने राजनांदगांव में भड़काऊ भाषण दिया है। इस मामले में कांग्रेस चुनाव आयोग में गृह मंत्री शाह के खिलाफ शिकायत करने वाली है। दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए एक वर्ग को ही चिंता करने का आरोप लगाया है। दरअसल 16 अक्टूबर को राजनांदगांव विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने फिर नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर एक बड़ी सभा की गई, इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे। इस दौरान गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने बेमित्रा हिंसा के मामले में सीएम भूपेश बघेल को घेरते हुए कहा, भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टिकरण के लिए वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर साहू को लिंचिंग करवाकर मार दिया। बीजेपी ने तय किया कि हम भुवनेश्वर के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिता ईश्वर साहू को चुनाव मैदान में उतारा गया है। गृह मंत्री शाह की बयान छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय टीम ने भी आपत्ति जताई है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर शांत प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए योजनाबद्ध तरीके से भाषण दिया है। हम चुनाव आयोग से उपेक्षा कर रहे हैं कि वे स्वयं संज्ञान लें और गृह मंत्री अमित शाह पर कार्यवाही करे। कांग्रेस पार्टी भी इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे। ईडी के रट्टू तोते की भांति एक बार फिर से ईडी की लिखी पटकथा के आधार पर कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा गए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने निंदा की। उन्होंने कहा, जयराम रमेश को कुछ नहीं पता, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री गृह मंत्री और जिनके विधानसभा में भुवनेश्वर साहू की हत्या निर्माता से हुई है, रविंद्र चौबे भी आज तक उनके घर नहीं गए। पीड़ित परिवार की कहानी जयराम रमेश को पता नहीं है और उनका बयान यही प्रमाणित कर रहा है। जो गृह मंत्री शाह ने कहा, कांग्रेस केवल एक वर्ग की है, चिंता करती है और तुष्टिकरण की राजनीति भी करती है।